दोस्तों ये है स्टार व्हिप क्रीम, और क्रीम को व्हिप करके दिखाएंगे और किस तरीके से करेंगे ये सारा कुछ आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। देख सकते हैं ये इस तरह का क्रीम है, और आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख गाइस, जब वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट, और सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रहेगी, जब क्रीम व्हिप करते हो आपकी इस तरीके से, देखिए पूरी इस तरीके से मेल्ट होनी चाहिए, और लेकिन ये गर्म नहीं होनी चाहिए, आपको नॉर्मल ठंडे पानी में ही इसको व्हिप करना होता है। तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है, आपको क्रीम भी गर्म नहीं होनी चाहिए, क्रीम के अंदर आइस भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी क्रीम में आइस होगी व्हिप करते टाइम तो अच्छी खासी टाइट भी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, क्रीम मेल्ट होने लगेगी, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना हो। तो मैंने यहाँ पे 3 पैकेट डाल दिया, अगर आपको 1 पैकेट का करना है तो उसको भी इसी तरीके से फॉलो करें। तो 3 डालूँगा मैं, 3/4 आधा पैकेट डालूँगा मैं इसको, देखिए इसमें बचा दी मैंने क्रीम। और इसके साथ में जो मेन चीज़ डालने वाला हूँ मैं, बैटर क्रीम, देख सकते हैं बैटर क्रीम, ये भी रिच कंपनी का है, तो ये बटर क्रीम का भी काम कर सकता है आपका, काफ़ी अच्छा टेस्ट है इस क्रीम का। ये सिर्फ हम इसमें और टेस्ट बढ़ाने के लिए 1 पैकेट डालते हैं, ये 4 केजी में 1 केजी डालते हैं, तो इसका टेस्ट भी काफ़ी अलग से है। अगर आपको क्रीम रोल वगैरह उस चीज़ में, अगर कोई पेस्ट्री का अगर अच्छा टेस्ट में बनाना है तो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं इसको। तो चलिए अब बिना देरी के इसको स्टार्ट कर लेते हैं क्रीम को। तो यहाँ पे मैं सेकंड गियर में इस स्पीड में चलाऊंगा इसको 3 से 4 मिनट के लिए। 3-4 मिनट के बाद किस तरह की क्रीम बन जाती है हमारी वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, और इसी क्रीम से मैं आपको केक बना के भी दिखाऊंगा कि कितनी शाइन है वीडियो के क्रीम लास्ट में हो जाने के बाद, एंड में वो भी दिखाऊँगा। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से, ये 3 से 4 मिनट अभी ज़्यादा क्रीम है इसलिए 4 मिनट, अगर आप हैंड वीटर वगैरह से करते हैं तो 1-2 मिनट में ही हो जाएगा, ज़्यादा देर वो चीज़ होता है। इसमें बड़ी मशीन है और क्रीम ज़्यादा है, तो टोटल 4.5 किलो क्रीम अभी यहाँ पे लगी हुई है। तो इस तरीके से इसको होने देते हैं, और आपको जब ये थोड़ी सी हो जाती है फास्ट गियर में डालने के लिए तब आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं, चलिए आगे मिलते हैं फिर आपको। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं ये हल्की सी गाढ़ी होने लगी है 3-4 मिनट में, इसको ज़्यादा देर ना रखें क्योंकि गर्मी का टाइम है तो जल्दी हो जाती है। अब इसको फास्ट में व्हिप करते रहना है ताकि जल्दी गाढ़ी हो जाए क्रीम, और इस तरीके से सर्दियों में अगर थोड़ा ज़्यादा भी चल जाए स्लो में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर लेकिन गर्मी के टाइम पे, क्योंकि अगर कोई बर्फ़ वगैरह कुछ बचा हो तो वो मिक्स हो गया स्लो में, बाकी क्रीम तो इसी तरीके से व्हिप होगी। तो इसको होने देते हैं व्हिप, और थोड़ी देर के बाद आपको फिर से दिखाते हैं क्रीम किस हालत में होगी। है वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगी क्योंकि इसके एंड में आपको केक भी आइसिंग करके दिखाऊंगा मैं इसी क्रीम से। ये देख पा रहे होंगे क्रीम अब लगभग हमारी गाढ़ी होने लगी है, मतलब टाइट होने लगी है, तो हम इसको बस कुछ ही देर में स्लो स्पीड में कर देंगे। तो लगभग हमारी क्रीम अब हो ही गई, आपको एक बार बंद करके भी दिखाता हूँ, ये देखिए स्लो करके क्रीम लगभग हो चुकी है हमारी। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब जो हमने एक्स्ट्रा क्रीम रखी थी उसको इस तरीके से चलती हुई मशीन में इस तरह से डाल देंगे, और अगर इसको नहीं भी डाल रहे हो तो आपको 30 सेकंड के लिए स्लो स्पीड में आपको चलानी पड़ेगी क्रीम, क्योंकि आपकी क्रीम के अंदर जो एयर आ जाती है वो ख़त्म हो जाए इस तरीके से। अगर आपको लगे फिर भी अगर ढीली है क्रीम एक बार चेक भी कर लीजिए, इस तरीके से निकाल ली, ये देखिए इस तरह से स्टेप बनने चाहिए क्रीम में। इसमें अभी थोड़ी सी ढीली है तो हम थोड़ा सा चला लेंगे इसको, ज़्यादा नहीं, तो अब हमारी क्रीम बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। तो इस क्रीम से हम अब केक बना के दिखाएंगे आपको, तो चलिए अब केक दिखाते हैं आपको। यहाँ तक वीडियो देख लिया, अगर आपको समझ में आया कुछ तो
आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और फॉलो भी कर दें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे मिलते हैं आपको। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्रीम ले ली है एक बाउल में, ये क्रीम को पहले की है जो उसको साइड में रखते हैं, और नई वाली क्रीम से ये केक आइसिंग करके दिखाते हैं। क्रीम व्हिप करने के बाद थोड़ी देर आप फ्रिज में ज़रूर रखें, 10-15 मिनट तो रखिए, और उसके बाद अब आइसिंग कर लेते हैं इसकी। तो केक कैसा बनता है ये सारा कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को मिल रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना। देखिए कुछ इस तरीके से आइसिंग साइड में हम इसके कॉम से ही करेंगे। क्रीम को ज़्यादा टाइट भी ना रखें क्योंकि आपको फ्लावर वगैरह बनाने में स्मूथ ही चाहिए, हल्की क्रीम चाहिए, और आइसिंग भी अच्छी करनी है तो आपको क्रीम ज़्यादा टाइट नहीं करनी होगी। अगर बाय चांस टाइट हो जाती है आपकी तो थोड़ी सी लिक्विड क्रीम मिला के उसको एक बार नाइफ से घुमा लें तो ढीली कर लें, तब जाके आपके केक में अच्छी फिनिशिंग आएगी। चाहे तो आप यहाँ पे गर्म पानी में नाइफ को डीप करके उससे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने गर्म पानी में नाइफ डीप की, ये देखिए ऊपर से घुमाया और केक में पूरी फिनिशिंग आ चुकी है। और इसमें अब हम डालेंगे ग्लेज पाइनएप्पल वाला। अगर आपके पास ग्लेज पाइनएप्पल का ना हो तो आप न्यूट्रल ग्लेज में येलो ग्लर या पाइनएप्पल अरोमा ये डाल सकते हैं। ये केक हमारा हो चुका है रेडी, बस इसमें गार्निशिंग वगैरह करेंगे हम और उसके बाद दे देंगे। तो आपको कैसा लगा ये इस क्रीम का एक्सपीरियंस ये मेरे को ज़रूर बताना आप कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए आप गार्निश लगा के आपको दिखा देते हैं केक कैसे बने, और साइड में बॉर्डर वगैरह लगा लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये केक हमारे हो गए हैं रेडी, ये हैं पाइनएप्पल 1/2 kg के और ये है 1 kg स्ट्रॉबेरी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।